नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको की सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा सामने आई है। आपको बता दें कि सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर रहा हूँ, सीएम ने कहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर को। आपको बता दें कि अब जो है सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर को। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आप देखने को मिली है। सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। तो सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया, बड़ी खबर, अहम जानकारी। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आप सामने आई है, बड़ी घोषणा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, आपको बता दें कि अब जो है अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है सीएम द्वारा। तो अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर रहा हूं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आप देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब अमरकंटक को फॉरेस्ट घोषित कर रहा हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आप देखने को मिल रही है, अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी कुलभूषण, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आप देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जनता को संकल्प दिलाया, अधिकारी कर्मचारी वर्ग को संकल्प दिलाया कि हम कैसे पेड़ों की सुरक्षा करें। और इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ी भी घोषणा की है कि अमरकंटक को जो है रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का यहाँ पर निर्णय किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक रिजर्व फॉरेस्ट की घोषणा करता हूँ, एक बड़ी घोषणा करता हूँ। तो कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बड़ी यहाँ पे सौगात, क्योंकि जंगल को कैसे बचाया जाए इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मुहिम चलाते हैं। और उसी कड़ी में आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। जी कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो घोषणा की गई है, काफी ज्यादा अहम ये घोषणा मानी जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा क्या और भी घोषणा की गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो इसके साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता से अपील ये की है कि आप अपने जन्मदिन, इसके साथ ही माता पिता की एनिवर्सरी, अपनी एनिवर्सरी या फिर पुण्यतिथि के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं, उसे सुरक्षा दें और इसके साथ ही बिजली बचाने की अपील की है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि आप अधिकारी और कर्मचारियों को कहा है कि ऑफिस और दफ्तर में बिजली कम खपत करें, और इसके साथ ही अगर एक परिवार में दो से अधिक गाड़ियां हैं तो एक गाड़ियों का यूज करें। तो आज मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसको लेकर जो है चर्चा की। जी कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है, बड़ी सौगात देखने को मिल रही है। सीएम ने अमरकंटक को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया है। साथ ही साथ आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और उन्होंने सभी से ये भी अपील की है कि जब भी कोई शुभ अवसर हो तो उस समय एक पौधारोपण जरूर करें। तो आपको बता दें कि सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अब जिस तरीके से आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर के भी सभी से अपील की है, सभी लोगों से अपील की है। कहा गया है कि जब भी कोई शुभ अवसर हो उस समय एक पौधारोपण जरूर करें, जिससे कि पर्यावरण और भी अच्छा हो सकेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब सीएम ने अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी घोषणा देखने को मिल रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा।
तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।